अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं रुबीना अंसारी किचन में आपके लिए बीफ के पाए तैयार कर रही हूँ। मैंने एक बड़ा पाया लिया है जिसे कटवा कर इस तरह के बड़े बड़े पीसेस में ले लिया है। इन्हें मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया था ताकि इनकी स्मेल निकल जाए। मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी डाला हुआ है। अब मैं मज़ीद देख के पानी डालूँगी कि कितने पानी की ज़रूरत है। दो दरमियाने साइज़ की प्याज़ें ली हैं जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा कट कर लिया है। पहले हम इन पाव को गलाएंगे, यखनी सी बनाएंगे। यहाँ मैंने लहसुन के जवे लिए हैं 12-14 के करीब। ये मैंने दो पोथियाँ यानी दो उसकी जो गांठें होती हैं वो ली थी। यहाँ मैंने 2 इंच का एक अदरक का टुकड़ा लिया था, इसको भी मैंने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। नमक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। बाद में हम देखेंगे, चख के हमें जितने की ज़रूरत होगी हम वो डाल लेंगे। अब हम आते हैं गरम मसालों की तरफ। गरम मसालों में मैंने 4-5 तेज़पत्ते लिए हैं, 2 सिनेमम स्टिक ली हैं बड़ी वाली, 6 छोटी इलायचियाँ, 3 बड़ी इलायचियाँ, आधा टीस्पून काली मिर्च साबत, आधा टीस्पून लौंगे और 1 टेबलस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। पाए शामिल कर रही हूँ और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। जब इनमें उबाल आ जाएगा तो मैं आँच हल्की कर दूँगी। अब मैं इसमें मज़ीद पानी और डालूँगी। 2.5 लीटर पानी डाल दिया है। अब ये हाई फ्लेम पे उबाल आने तक पकेंगे। जब उबाल आ जाएगा तो मैं फ्लेम कम कर दूँगी। तो मिलते हैं हम उबाल आने पर। 5-6 मिनट हो चुके हैं, अच्छा सा उबाल आ गया है और मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे बंद करूँगी, फ्लेम को लो करूँगी और ये लो फ्लेम पे तकरीबन 3.5-4 घंटे तक गलने तक पकेगा। जब ये गल जाएगा तो फिर हम मिलके मज़ीद प्रोसेस करते हैं। तो मिलते हैं इनके गलने। 4 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसे चेक करते हैं। बहुत अच्छे से गल गए हैं, तैयार हो गए हैं। अब फ्लेम ऑफ करके मैं ये सब अलग कर रही हूँ। यखनी में अलग कर दूंगी और पीसीज में अलग निकाल लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अब ये निकालने के बाद मैं दूसरी साइड पे इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। इसमें से मैं तेज़पत्ता और दूसरी चीज़ें अलग कर लूँगी। मसाला तैयार करने के लिए कढ़ाई चूल्हे पे है। मैं इसमें 1/2 कप ऑयल डालूंगी। घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ज़्यादातर घी में ही पकाते हैं। ऑयल ज़्यादा इसलिए नहीं डालूंगी कि काफ़ी ऑयली है। ये ऑयल गर्म होता है तो फिर मैं इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है सोते होते हुए। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून सुर्ख कश्मीरी मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 पिंच सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कलौंजी, 2 टेबल स्पून पिसा धनिया और 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च शामिल कर रही हूँ। इसे भी मैं हल्के से सोते करूँगी और थोड़ा सा पानी डाल लूँगी ताकि ये जले ना। मैं इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर पानी डालूंगी और इसे मैं अच्छा सा फ्राई करूंगी। मसाला भुनते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये
100 ग्राम दही डाल रही हूँ। दही मैंने फेंट के पहले से रख लिया था और इसे भी मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। अच्छा, दही कोशिश कीजिएगा और कह के लीजिएगा कि खट्टा ना हो, बहुत ज़्यादा खट्टा दही होने की सूरत में टेस्ट अच्छा नहीं होता है। अब इसको भी मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी जब तक के ऑयल ऊपर ना जाए। पत्ते वही हैं जो यखनी में से निकले थे, ये 2-3 में शामिल कर रही हूँ और इसे थोड़ा सा और फ्राई करूँगी। पाई की बोटियाँ हड्डियाँ डालकर इनको भी अच्छी तरह 1-1.5 मिनट तक फ्राई करूँगी। 2 मिनट हो चुके हैं, अब जो यखनी हमने निकाली थी वो भी इसमें शामिल कर देते हैं और इसको थोड़ा सा अच्छा सा पकाएंगे। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा शामिल कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून बजा रही हूँ जो कि मैं बाद में डालूँगी। अब उबाल आता है तो फिर हम मिलते हैं और आपके लिए हरा मसाला डाल के गार्निश करते हैं। अब मैं ढक्कन ढक के फ्लेम तेज़ कर रही हूँ ताकि उबाल आ जाए और फिर थोड़ा सा फ्लेम हल्का करके दम पे लगाऊंगी। लो फ्लेम पर 15 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबूयात से किचन महक रहा है। अब ये मैं बाकी बचा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ इसमें और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और ढक्कन ढक के मैं थोड़ी सी देर के लिए रख रही हूँ, फिर मैं आपके लिए डिश आउट करती हूँ। फ्लेम ऑफ़ कर रही हूँ, ऑयल ऊपर आ चुका है और अब आपके लिए डिश आउट कर रही हूँ। व्यूअर्स, ये आपके बीफ के पाए तैयार हैं। इसको मैंने जूलियन कट, अदरक, लीमू, हरा धनिया, हरी मिर्च से गार्निश किया है। इसे आप नान के साथ सर्व कीजिए, सादा रोटी से भी अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये बीफ पाए पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलामुअलैकुम और अल्लाह हाफिज़।